ठीक है शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सो वेलकम प्लीज। वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। सर इधर रखो जी। ओके जी, आप भी सर। नरेंद्र भी आप ही आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, ये जो आपके सॉरी हम लोग लेट हो गए 2.5 घंटा, बट क्या करें, आगे ये हो गया। इससे पहले एक और कैंसिल हुआ दिल्ली से, थोड़े दिन पहले एक इनॉग्रेशन था, प्लेन गया ही नहीं, तो वहाँ पे जौनपुर करके बिहार में है, वो यूपी में, वो कैंसिल ही हुआ। आज कम से कम आ तो गए। चलो ओके। प्रेस मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम साउल हार्ट सेंटर को फॉर्मली यहाँ इनॉग्रेट करें। साउल जो कि एक पायनियर है नॉन इन्वेजिव कार्डियक ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उनके फाउंडर डॉक्टर बिमल चार्जर जी हमारे साथ में हैं, और माता वैष्णो देवी जी की कृपा से हमें आपके सुंदर से शहर में सर्व करने का मौका मिला है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द सेंटर एंड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम सर। नाउ हार्ट सब क्या कहेंगे जिस तरह से आज? आज हार्ट की बीमारी इंडिया का नंबर वन बीमारी है, 30% डेथ्स हार्ट से होती है, और ये सारे डेथ को हम रोक सकते हैं। और इसका जो असली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो है हार्ट की बीमारी को जड़ से काटना, और उनके जड़ जो होते हैं खान पीन रहन सहन में होता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमारे साउल हार्ट सेंटर का पहला एम है कि लाइफस्टाइल को बदल देना, उसके संग हम एलोपैथी की दवाइयाँ भी देते हैं, और उसके संग हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। गॉड ने हमारे हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, उनको हम लोग चालू कर देते हैं, और एक मशीन के द्वारा की जाती है, और इसके बाद फिर बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। ये हमारा 125 नंबर सेंटर है इंडिया का, हमारे 125 जगह में हार्ट के सेंटर्स हैं, और आज जम्मू एक ऐसी हो गया कि पूरे इंडिया के हर स्टेट में हम लोग पहुंच चुके थे, जम्मू में आ गए। जम्मू कश्मीर का ये पहला सेंटर होगा, और यहाँ पे हम लोग चार तरह की ट्रीटमेंट करेंगे, खान पीन रहन सहन का जो टोटल एजुकेशन है, और उसके संग हम लोग एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं, और उसके संग आयुर्वेद होम्योपैथी को भी ऐड करते हैं, और उसके संग नेचुरल बाईपास एक मशीन से 40 दिन की इलाज होती है, जिससे हार्ट के पेशेंट्स के अंदर जो ब्लॉकेज है उनके साइड में नई ट्यूब बन जाती है, और एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट होता है जो ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। तो ये चारों ट्रीटमेंट होने से ये होगी कि लोगों को बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं होगा, हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। कोई की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है हार्ट अटैक के बाद, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये तो आगे के जमाने में ही होता था, यहाँ के लोग सीधा जाते थे दिल्ली या बड़े शहरों में चंडीगढ़ में, वहां जाके ऑपरेशन कराते थे। अब वो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन बिना ही हार्ट का बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है। सावल ने पूरे इंडिया भर में करीब 5.5 लाख लोगों का ट्रीटमेंट किया सक्सेसफुली, और ये बहुत कारगर ट्रीटमेंट है बिना ऑपरेशन के। हम लोग हर कोई डरते हैं कि ऑपरेशन बिना काम हो जाए, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, और बिना ऑपरेशन के सेम काम हो जाए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आज जो हार्ट की बीमारी का मेन रीजन है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके संग बीपी, शुगर, उसके संग खाना पीना, उनके संग वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, तो साउल के अंदर ये सारी चीजों को हम लोग एक साथ करते हैं। हम लोग ने एक ऐसी मॉडल बनाई है जहां पे हार्ट अटैक के चांसेस करीब करीब एलिमिनेट हो जाते हैं, और अगर हार्ट अटैक ना हो तो हर हार्ट का पेशेंट आगे तक जिएगा और बिना ऑपरेशन के जिएगा। तो ये हम लोग के आज 25 साल से ज्यादा हो गई है साउल की शुरुआत में, और जम्मू के लोगों को आज मैं बधाई दूंगा कि वो हमें यहाँ पे बुलाए और यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया। जम्मू के पेशेंट्स पहले दिल्ली जाके ट्रीटमेंट कराते थे, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर दर्पण एंड डॉक्टर अनुपमा को बधाई दूंगा कि इन्होंने यहाँ सेंटर खोलने का काम किया है, और हम लोग यहाँ से दिल्ली से सपोर्ट देते रहेंगे इनको, और आगे इनको मैं सबसे शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे ये सेंटर बहुत बढ़े और हम श्रीनगर में भी इसका सेंटर खोले, ये हमारा एम है। डॉक्टर बेबल जी, कोई भी सेंटर खोलने से पहले उसका सर्वे वगैरह किया जाता है,
तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितनी ये बीमारी जो है हार्ट की बीमारी वो उसका प्रकोप है और कितना हेल्पफुल रहेगा? देखिए यहाँ पे एक ही है कि खाने पीने का बहुत गरिष्ठ भोजन किया जाता है और कश्मीरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा मीट भी खाते हैं, तो इनकी हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। हमने दिल्ली में बहुत सारे देखा है, इतने सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में अगर 30% डेथ्स होती है तो यहाँ 50% डेथ्स हार्ट से होती होगी। तो कश्मीरियों को खान पीन रहन सहन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ये करेंगे और हमारी ये दोनों ट्रीटमेंट की सहारा रहे तो एक भी आदमी को हार्ट अटैक से मरने नहीं देंगे, ये हम लोग सोच के चलते हैं। हम लोग बोलते हैं अगर एक आदमी का ट्रीटमेंट करो तो उससे पहले 1000 का एजुकेशन करो। हमारे YouTube के चैनल है जहाँ पे करीब 35 लाख लोग हमारे फॉलो करते हैं, और सोशल मीडिया में 1 मिलियन व्यूज हमारे हर दिन के होते हैं। वो इसलिए कि हर कोई चाहता है कि सर हार्ट के बारे में नॉलेज मेरे को मिल जाए, मैं बच जाऊँ हार्ट की बीमारी से। तो साउल का एक एम ये रहेगा कि हर आदमी को एजुकेट करना हार्ट के बारे में, और वो हार्ट के बारे में सब चीज नॉलेज हो तो अपने आप को बचा पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं समझ लीजिए हार्ट वैक्सीनेशन हो गया, कि हार्ट की बीमारी का वैक्सीन तो है नहीं पर हम जो एजुकेशन करते हैं इसको बोलते हैं एजुकेशन वैक्सीन। अच्छा, दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? या 4-5 मोटे मोटे बात मैं बता दूं, कोई भी दिल को बचाना चाहता है, हार्ट को बचाना चाहता है, तो पहला काम है कि एनिमल फूड को बंद करना चाहिए। एनिमल का जो भी बना हुआ हो उनको बंद करना चाहिए। तेल मिनिमम या जीरो में आ जाना चाहिए। हर दिन वॉकिंग जरूरी है 35 मिनट्स, उसके संग योगा करना जरूरी है, और ब्लड प्रेशर शुगर को चेक करके उसको कंट्रोल करवाएं। उसके लिए हम एलोपैथी दवाई देने के लिए तैयार हैं। अगर इतना वो कर लें, ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो जाए, और वॉकिंग और योगा करें और स्मोकिंग जरूर बंद कर दें, तो ये सब कर लें तो आधा हार्ट का बीमारी का सोल्यूशन यहीं से आ जाए।